गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, इट्स योर स्टडी टाइम. आर यू रेडी? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश. आज मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ और इंग्लिश में आप लोग को आज आई लेटर से कॉपी में लिख करके बताऊँगी. ठीक है, आप लोग को एच लेटर तक मैं कॉपी में लिख करके बता दी हूँ. एच फॉर हॉर्स. आज मैं आपको आई लेटर से लिखने बताऊँगी. देखिए, आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंसेक्ट और आई फॉर आइसक्रीम. ठीक है, आप आई फॉर इग्लू भी लिख सकते हैं, आई फॉर इंसेक्ट भी लिख सकते हैं और आई फॉर आइसक्रीम भी लिख सकते हैं. मैं देखिए कॉपी में आप लोग को आई फॉर इग्लू ये आज मैं आप लोग को लिख करके बताऊंगी कॉपी में. ठीक है, लर्न एंड राइट. I for igloo, IGLOO, igloo. ओके, आज मैं ये लिखा रही हूँ. आपको अगर जल्दी लर्न हो जाएगा तो आप इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं या फिर आइसक्रीम भी लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. I for igloo. पहले लिखेंगे I. ठीक है, थ्री लाइन को टच करते हुए पहले I लिखेंगे. इस तरह से आपको देखिए थ्री लाइन को टच करते हुए आई ऐसे लिखना है. फिर डैश दीजिएगा और इग्लू का स्पेलिंग है IGLOO. तो पहले लिखेंगे आई, फिर जी, लेटर को बहुत ज़्यादा दूरी बना करके भी नहीं लिखना है. इस तरह आप लिखिएगा LOO. थ्री लाइन को टच करते हुए लिखिएगा बच्चों OO, इग्लू. ओके, या फिर देखिए मैं नेक्स्ट लाइन में भी लिख करके बता रही हूँ. ये थ्री लाइन को टच करते हुए पहले आई लिखिएगा. इस तरह आपको आई लिखना है, फिर डैश देना है और इग्लू का स्पेलिंग है IGLOO, इग्लू. IGLOO. थ्री लाइन को टच करके ही लिखना है बच्चों. देखिए मैं थ्री लाइन को टच करके आपको बता रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा. नेक्स्ट लाइन में भी लिख रही हूँ. पहले लिखिएगा आई, आप अपने बुक से देख करके आइसक्रीम भी लिख सकते हैं. ये देखिए मैं इग्लू लिख करके आपको बता रही हूँ. फिर इग्लू का स्पेलिंग है IGLOO, IGLOO. इग्लू, IGLOO, इग्लू. ठीक है, यहाँ नेक्स्ट लाइन में भी देखिए लिख रही हूँ. ये हुआ आपका आई. आई एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए आई का. फिर डैश दीजिएगा और इग्लू का स्पेलिंग है IGLOO, इग्लू. IGLOO, इग्लू. ओके, फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ. पहले आई लिखेंगे, फिर डैश देंगे और इग्लू का स्पेलिंग है IGLOO, IGLOO.
ओके फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। पहले देखिए ये थ्री लाइन को टच करते हुए आई लिखिएगा। आप लोगों को आई पहले भी मैं बता चुकी हूँ लिखने के लिए, इस तरह से आपको आई लिखना है, फिर डैश देना है और इग्लू का स्पेलिंग है आई जी एल डबल ओ, आई जी एल डबल ओ। ओके फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, फिर डैश दीजिए, फिर इग्लू का स्पेलिंग है आई जी एल डबल ओ, आई आई का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, जी एल डबल ओ। इग्लू ओके आई जी एल डबल ओ इग्लू। नेक्स्ट लाइन में भी देखिए लिख करके बता रही हूँ आपको, आई फिर डैश दीजिए और इग्लू का स्पेलिंग लिखिए आई जी एल डबल ओ इग्लू। थ्री लाइन को टच करते हुए लिखिएगा बच्चों, तरह से आपको लिखना है लाइन को टच करते हुए। आई जी एल डबल ओ यहाँ भी देखिए लिख करके बता रही हूँ आपको, आप लोग अपनी कॉपी में एकदम लाइन को टच करते हुए लिखिएगा बच्चों, आप लोग का नाइसली राइटिंग होना चाहिए। आई लिखने के बाद डैश दीजिएगा और फिर इग्लू का स्पेलिंग है आई जी एल डबल ओ। थ्री लाइन को टच करते हुए लिखना है, डबल ओ इग्लू आई जी एल डबल ओ इग्लू। फिर से एक बार देखिए आपको कैसे लिखना है, इस तरह से आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में बहुत ही नाइसली राइटिंग में लिखना है बच्चों, क्योंकि आप लोग जब थ्री लाइन में टच करके नहीं लिखेंगे तो आपकी राइटिंग नाइसली नहीं होगी। ठीक है, आपको अभी से ही राइटिंग नाइसली बनाना है शुरू से ही, इसीलिए बच्चों को लेटर जब लिखाया जाता है तो थ्री लाइन में टच करके बच्चे लिखते हैं और सिखाया जाता है उनको। ठीक है, तो ये देखिए आज मैं आपको आई फॉर इग्लू लिख करके कॉपी में बताई हूँ। आपको अगर आइसक्रीम लिखना है तो आप अपने बुक से देख करके आइसक्रीम का भी स्पेलिंग लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं, जो आपको ईजी याद हो जाएगा आप वो लिख सकते हैं। तो देखिए ये पहले मैं ऊपर होमवर्क दे रही हूँ आपको, ये आपका HW हो गया,
और इग्लू देखिए इसको बोला जाता है, ये जो है ये आपका इग्लू है, ये बर्फ में इस तरह से हाउस रहता है, इसको इग्लू बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं आज लिख करके कॉपी में बताई हूँ। आप इंसेक्ट्स या आइसक्रीम जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग नाइसली होनी चाहिए, बिल्कुल आपको नाइसली राइटिंग में लिखना है। देखिए मैं आपको लर्न करवा दे रही हूँ। आई, आई फॉर इग्लू, आई जी एल डबल ओ इग्लू, आई जी एल डबल ओ इग्लू, I G L डबल O इग्लू, I G L डबल O इग्लू, I G L डबल O ओके इग्लू, I G L डबल O 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 इग्लू। ओके, देखिए इस तरह से कॉपी में लिख करके मैं आपको लर्न भी करा रही हूँ, आप लर्न कीजिएगा, लिखिएगा अपनी कॉपी में और लर्न कीजिएगा। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन, एक बार इसको ठीक से देख लीजिए कैसे लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।